हेलो फ्रेंड, बहुत सारे लोग पाइल्स यानी बवासीर की बीमारी को से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कुछ लोगों को फिसर की प्रॉब्लम होती है और कुछ लोग फिस्टुला की प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। कई बार तो फिस्टुला यानी कि जिसको हिंदी में भगंदर कहते हैं, उसके केस में कई लोग ऑपरेशन तक करा लेते हैं, कई बार करा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कि न केवल आपकी पाइल्स को ठीक करेगा, बल्कि उसके अलावा अगर आपको फिसर की प्रॉब्लम है या फिर अगर आपको फिस्टुला की भी प्रॉब्लम है तो ये तीनों बीमारियों को खत्म कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइमॉल, लिपकॉन और मैनुलेक्स नाम का जो चूड़ है, इसके कॉम्बिनेशन की। तो इस वीडियो को डिटेल में जानने से पहले, फ्रेंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें ताकि सही जानकारी सही समय से उन तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये तीनों मेडिसिन है उनके कॉम्बिनेशन को लेने से पहले, सबसे पहले आप ये समझिए कि पाइल्स किसे कहते हैं या बवासीर किसे कहते हैं और फिसर क्या होता है और फिस्टुला क्या होता है। बहुत सारे लोग ये तीनों को एक समझते हैं और कुछ लोग इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाइल्स की। तो पाइल्स एक ऐसी बीमारी होती है जो कि मल द्वार, जो यानी कि जो आपका एनल वाला पार्ट होता है, उसमें बहुत सारे मस्से हो जाते हैं और जो ये मस्से होते हैं उनमें गंदा खून जो है वो भर जाता है। तो जब भी आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, जब भी आप कुछ ज्यादा तली भुनी चीजें खाने लगते हैं, तो फिर ये जो मस्से हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद फिर आप जब लैटरिन करने जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है या फिर आप उठते बैठते हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। पाइल्स जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है जिसमें कि ब्लड आता है, जिसको खूनी खूनी बवासीर बोलते हैं, और एक वो होता है कि जिसमें ब्लड नहीं आता बल्कि उसमें मस्से ही बने रहते हैं। तो जिसमें केवल मस्से होते हैं, ब्लड नहीं आता, उसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और जिसमें जो है ये मस्से बनते हैं, मस्से बनने के बाद फट जाते हैं तो वहाँ से ब्लड निकलता है, जिसको खूनी बवासीर कहते हैं। तो इसमें दर्द नहीं होता, लेकिन अगर लगातार ये समस्या बनी रहती है तो ब्लड का लॉस जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जिससे शरीर में खून की कमी हो सकती है। फिसर की बात कर लेते हैं। तो फिसर जो है, जब भी किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन में जब स्टूल टाइट होके निकलता है आपके मल द्वार से, एनल वाले पार्ट से, तो मल द्वार में कई सारे कट लग जाते हैं और कट लगने के कारण वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद एक बार जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, आप दोबारा से पॉटी करने जाते हैं, लैट्रिन करने जाते हैं, तो फिर वहां पर काफी ज्यादा जलन होती है और ये जलन बहुत ज्यादा तेज होती है। इसके अलावा तेज दर्द भी होता है। अब बात कर लेते हैं फिस्टुला। तो जब आपको फिसर की प्रॉब्लम होती है तो उसी का जो अपग्रेडेड वर्जन है उसको फिस्टुला बोला जाता है। फिसर में क्या होता था, आपके एनल वाला जो पार्ट होता था उसमें कट लग जाते थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता था। अभी ये जब बार बार ये प्रोसेस होता है तो उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो आपका मेन एनल वाला पार्ट है, सपोज करिए ये एनल वाला पार्ट है, आपका स्टूल यहाँ से पास होता था, लेकिन इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आपको और भी कई सारे रास्ते बन जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो कभी कभी वहां से पस भी आता है, कभी कभी वहां से ब्लीडिंग भी आती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि इन रास्तों से जो है वो थोड़ा बहुत स्टूल भी पास हो जाता है। तो इस चीज को फिस्टुला बोलते हैं और हिंदी में इसको भगंदर भी कहते हैं। तो ये तीनों में अंतर होता है। अब ये जो दवा है पाइमॉल, लिपकॉन और मैनुलेक्स नाम की, ये तीनों तरह की जो समस्याएं हैं, चाहे वो पाइल्स की हो, फिसर की हो, फिस्टुला की हो, तीनों में बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देती है। अभी ये जो तीनों दवाइयां हैं, ये उज्ज्वला नाम की एक कंपनी है जो कि आयुर्वेदिक कंपनी है और ये इस दवा को बनाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन ही खरीदना पड़ेगा और ये जो है ये ऑनलाइन ही मिलती है अभी तक। हो सकता हो ये किसी बड़े मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाए, पर अभी तक ये ऑनलाइन ही मिलेगी और तीनों का कॉम्बिनेशन ही आपको खरीदना पड़ेगा। अब इसके खाने के तरीके को भी समझ लेते हैं। तो इसमें जो लिपकॉन नाम की जो टैबलेट है उसको खाने के 20 मिनट पहले दो गोली आपको लेनी है। उसके बाद इसमें जो पाइमॉल नाम की टैबलेट है उसको खाने के बाद जो है दो गोली उसकी लेनी है, और इसके साथ में जो इसमें मैनुलेक्स है वो एक चूर्ण होता है, उसको भी खाने के बाद ही जो है दो चम्मच लेना है।
तो आपको सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब ये जो दवाइयां हैं इनमें इंग्रेडिएंट क्या पाए जाते हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले चूर्ण की बात कर लेते हैं, जिसको मैनुलैक्स चूर्ण बोला जाता है। इसमें जो है निशोत रूट पाया जाता है, त्रिफला पाया जाता है, सीना लीफ पाया जाता है, अजवाइन पाया जाता है, उसके अलावा इसमें इसाबगुल मिला होता है। तो ये जितने इंग्रेडिएंट होते हैं ये आपके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है उसको ठीक कर देते हैं। पाइल्स का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत सारे लोग दुबले पतले होते हैं, वो सोचते हैं कि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा कम करते हैं, तो लगभग 50% लोगों को ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और लगातार जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है तो फिर ये पाइल्स, फिसर और फिस्टुला की प्रॉब्लम लोगों को होती है। जो मैनुलेक्स चूर्ण होता है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपके बाउल के मूवमेंट को बढ़ाता है, और इसके अलावा ये जो आपका स्टूल होता है स्टूल को भी सॉफ्ट करता है। तो ये मैनुलेक्स चूर्ण का काम होता है। बात कर लेते हैं लिपकॉन नाम की जो मेडिसिन है उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं और उनके काम क्या होते हैं। तो लिपकॉन में भृंगराज पाया जाता है, भूमि आमला पाया जाता है, कुटकी पाया जाता है, गुड़ुच्ची पाया जाता है, चिरायता पाया जाता है। तो इन सारी चीजों को मिलाकर ये जो लिपकॉन नाम की गोली है उसको बनाया जाता है। अब ये जो अलग अलग इंग्रेडिएंट है इसके अंदर इनके काम क्या होते हैं उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहले भृंगराज की बात कर लेते हैं। तो भृंगराज के दो मेन काम होते हैं, एक तो ये एपेटाइजर की तरह काम करता है, यानी जिन लोगों को भूख नहीं लगती है तो उनके अंदर ये भूख को बढ़ाता है। दूसरा ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव कर देता है, तो आपका जो डाइजेशन है वो प्रॉपर होने लगता है, जिससे कि जो कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती। इसके अलावा जो भूमि आंवला होता है, भूमि आंवला जो होता है लीवर की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये लीवर फंक्शन को जो है वो बूस्ट करता रहता है। इसके अलावा जो कुटकी होती है, कुटकी भी अगर लीवर से रिलेटेड कुछ भी इश्यू होता है तो उसको वो ठीक करती रहती है। अगर आपका लीवर ठीक होगा तो जाहिर सी बात है आपका डाइजेशन ठीक होगा, डाइजेशन ठीक होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपको ये समस्याएं नहीं होंगी। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट है वो चिरायता होता है। चिरायता के भी दो मेन काम होते हैं, एक तो ये कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है और दूसरा ये एपिटाइजर यानी कि भूख को बढ़ाता है। अगले इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं, जिसको गुड़ुच्ची कहते हैं। तो गुड़ुच्ची जो होता है, जो आपके बॉडी में माइक्रोब्स होते हैं उसको खत्म कर देता है, यानी ये एंटी माइक्रोबियल की तरह काम करता है, और साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। आपका जो इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा तो फिर आपको बीमारियां नहीं होंगी, फिर आपको कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें अगले मेडिसिन पाइमोल की बात कर लेते हैं। तो पाइमोल में भी कई सारे इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं और ये भी जो है कहीं न किसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ दिलाते हैं। अब इनके इंग्रेडिएंट के नाम की बात कर लें तो इसमें वायु विदांग फ्रूट पाया जाता है, इसके अलावा केलमायर फ्रूट पाया जाता है, सर्पुखा रूट पाया जाता है, लाजरी पंचांग पाया जाता है, इसके अलावा चित्रक मोल पाया जाता है। ये इसमें इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। उनके काम की बात कर लें तो इसमें जो वायु विदांग होता है, वायु विदांग जो होता है इनडाइजेशन की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कर देता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर किसी को हो रही है उसमें ये बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। केलमायर फ्रूट की अगर बात कर ले तो इसमें बहुत सारा फाइबर पाया जाता है, फोलेट पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो केल फ्रूट होता है ये LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है उसके अमाउंट को कम करता है। तो हार्ट से अगर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट है वो सरपुंखा रूट होता है, और सरपुंखा रूट का जो मेन काम होता है ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो लीवर अच्छा होगा तो आपको डाइजेशन अच्छा होगा और फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट होता है वो लाजरी पंचांग होता है। लाजरी पंचांग का जो मेन काम होता है कि ये जो बर्निंग सेंसेशन होता है, स्पेशली जो आपका फिसर का अगर केस है तो वहाँ बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो बर्निंग सेंसेशन को कम करता है और वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट देता है और सूदिंग इफेक्ट देता है। इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट होता है वो चित्रक मूल होता है, और उसका मेन काम जो आपके इंटेस्टाइनल वर्म होते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन के लिए ठीक नहीं होते उसको ये खत्म कर देता है। इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट की बात कर ले जो कि चंद्रसूर सीड के नाम से बोला जाता है, तो इसका जो मेन काम होता है वो न्यूट्रिशनल जो डिफिशियंसी अगर आपके अंदर है उसको ठीक करना होता है। इसके अलावा अगर हार्मोनल
इम्बैलेंस है आपके अंदर, तो उसको भी ये ठीक करता है, जिससे कि आपका डाइजेशन ठीक होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है। अब ये जब तीनों आप जैसा जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप खाना शुरू करें तो आपके अंदर जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, और इससे जिससे जो है अगर आपको पाइल्स की समस्या बार बार आ रही है तो वो नहीं होगी, या आपको बार बार फिशर की प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी, और फिस्टुला की प्रॉब्लम में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत